हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए माई इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं फिर से एक करंट अफेयर्स शेयर करूंगी, बट क्वेश्चन फॉर्म में करूंगी। तो 12 ऐसे क्वेश्चंस मैं बताऊंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, स्टैटिक जीके के पोर्शन में से। और मैं आपको डेमो दूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं आर्टिकल्स आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट इज, विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉर द यूनाइटेड किंगडम? द आंसर इज, फोर ऑप्शन होंगे, आंसर इज इंडिया। एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं आपको। एक्चुअली ये आर्टिकल्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरीके से MCQs में आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, आप पढ़ लीजिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल अदालत कंडक्टेड बाय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। आपको याद होगा मैंने आपको ये वाला आर्टिकल शेयर की था। द आंसर इज ई लोक अदालत। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इस तरीके से फोर MCQs आते हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। जो आर्टिकल्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसी बेस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 11th of July। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। इस तरीके से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। जो जनगणना होती है हर कंट्री की जनगणना को मिलाकर के मिला जाता है। नेक्स्ट इज, हु हैज वॉन द एनुअल एनवायरमेंट अवार्ड ऑफ UNIFIL यानी कि यूनिफिल? द आंसर इज इंडियन बटालियन। एक्सप्लेनेशन इज, इंडियन बटालियन जो है नंबर 1 पर है एनुअल एनवायरमेंट अवार्ड यानी कि यूनिफिल के लिए। ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, रिसाइकिल प्लास्टिक एंड बिल्ड ग्रीन हाउस, यानी कि हम वेस्ट को कम जनरेट करें, प्लास्टिक को रीयूज करें, उसको और पैदा ना करें। नेक्स्ट इज, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इनॉग्रेटेड बाय, फोर ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक सिलेक्ट करना है, अनंतनाग। एक्सप्लेनेशन इज, वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका जो उद्देश्य है ना, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि कंट्री के किसी भी भाग में कोई होगा ना राशन कार्ड यूजर, तो उसको वहीं पर राशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जरूरी नहीं है आपको एरिया का राशन कार्ड हो, आप जब ही करो, ऐसे नहीं है। आपके पास राशन कार्ड होगा तो इंडिया के किसी भी भाग में आप राशन ले सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आंसर जो मैंने आपको बताया अनंतनाग, वो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। नेक्स्ट इज, यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड हैज बीन रिसीव्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी है। इस तरह से चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जिसपे भी ग्रीन टिक है वो इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ डील साइंड बिटवीन DBL एंड DRDO फॉर आकाश मिसाइल। आपको याद होगा ये मैंने आपको बताया था आर्टिकल में, आकाश मिसाइल से रिलेटेड। भारत डायनेमिक लिमिटेड साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम। करंट अफेयर्स में आकाश मिसाइल के ऊपर मैं आपको पूरा आर्टिकल डिटेल में बता चुकी हूँ। ये कैसा वेपन है, मल्टीपल टारगेट सेट करता है। विच स्टेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म रिड्यूस MCRL बाय 20 basis? आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो रिड्यूस कर देगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। डिजिट्स इसके आप लोग स्क्रीन से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज, विच कंट्री फाउंड अ प्लेस इन गिनेस बुक रिकॉर्ड फॉर बीइंग लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे? द आंसर इज इंडिया। एक्सप्लेनेशन इज, इंडिया जो है ना गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका जो नाम है वो दर्ज कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ पे नजर रखने के लिए बहुत सारे कैमराज लगाए थे। नेक्स्ट इज, विच मॉड्यूल हैज बीन लॉन्च टू टीच स्कूल चिल्ड्रंस टू बिल्ड मोबाइल एप्लीकेशन? द आंसर इज ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नीति आयोग यानी कि इससे पहले, आज का जो दिन है इससे पहले वाले दिन मैंने जो आर्टिकल उस पहले वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज, हु लॉन्च द BLUIS सिस्टम टू मॉनिटर चेंजेस इन गवर्नमेंट प्लॉट्स यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी? द आंसर इज मिस्टर नवीन पटनायक। अगर आप करंट अफेयर्स रोज फॉलो करते हो मेरे, तो आपको पता होगा ये वाला भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज, योटा MN1 एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट? द आंसर इज डेटा सेंटर।
एक्सप्लेनेशन इज एशिया का सबसे लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो डेटा सेंटर डिक्लेयर कर दिया गया था 7 जुलाई को। और ये डेटा सेंटर लोकेटेड है किसमें, हीरानंदानी फॉर्चून सिटी एट नवी मुंबई द पनवेल रीजन, और उसे नाम दिया गया है योटा MN1। और ये इनॉग्रेट किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर दैट इज मिस्टर उद्धव ठाकरे एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज रविशंकर प्रसाद। ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। सब कुछ अगर आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स फॉलो करते हो मेरे चैनल पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आपको पता होगा मैं सब ये चीज शेयर कर चुकी हूँ आपसे। और टोटल जो डेटा सेंटर की बिल्डिंग्स है वो 5 है, जिसमें से योटा MN1 एक है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं हमेशा आर्टिकल शेयर करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैं आपको आपके लिए लेकर आती हूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2020 में होने वाले। जनरल नॉलेज के लिए भी आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, ये एक स्टैटिक GK है, ये ऐसा पोर्शन होता है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। हर तरीके से मैं आपसे ना आर्टिकल शेयर करती हूँ, हर रोज आर्टिकल शेयर करती हूँ जिसे आप पढ़ती हो, आपको समझाती हूँ। बट कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, वो भी आर्टिकल्स के साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पर फिर भी आज मैंने इस तरीके से MCQs के फॉर्म में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से आपको एक टिक करना होता है। उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, इस तरीके से मैंने आपको MCQs में बताया है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में। प्लीज़ वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, वरना आने वाली मेरी नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगी। और इस चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ। बेसिकली दिस इज़ माई एजुकेशनल चैनल जहाँ पर मैं डिप्लोमा और बीटेक जैसी हायर स्टडीज़ को आसान बनाने की कोशिश करती हूँ, उनके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को लेकर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए उनको आसान कर सकूँ, स्पेशली सर्किट थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम एंड माइक्रोप्रोसेसर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।